माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर है क्लास फाइव का, अशरफ्स इन्वेंशन। अशरफ एक बच्चा है जिसने कुछ इन्वेंट किया। इन्वेंशन का मतलब जानते हैं आप लोग, किसी नई चीज़ को बनाना, कोई नया आविष्कार करना। तो इस बच्चे ने कोई नया आविष्कार किया है। तो देखते हैं भाई इस बच्चे ने ऐसा क्या आविष्कार किया है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये बच्चा छोटा सा है तो चलो शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, देन देखते हैं ये क्या दिया है। फॉलो द पिक्चर इंस्ट्रक्शंस एंड फोल्ड द पेपर एरोप्लेन। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि भाई किस तरीके से आप बच्चों के खेलने वाला जो एरोप्लेन बनता है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, सो ये तो एग्जाम में ओब्वियसली नहीं आने वाला है। ये एरोप्लेन आप बना के देख लेना, स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अशरफ। तो चलो अब हम पढ़ते हैं अशरफ के बारे में कहानी। अशरफ हमारे समझ लो फिल्म का हीरो है ना। एक बॉय है जो कि कहाँ का है, नाइजीरिया का है। ये बात ध्यान रखने की, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अशरफ जो बच्चा है वो कहाँ का है, वो नाइजीरिया का है, राइट। और उसको क्या पसंद है, हु लव्ड टू इन्वेंट थिंग्स। और अशरफ को इन्वेंट करना, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को आविष्कार करना, नई नई चीज़ों को खोजना उसे बहुत पसंद है। अब आज का दिन कैसे शुरू होता है ये हम पढ़ेंगे। द डे बिगिन लाइक एनी अदर डे। दिन जो शुरू होता है वो ऐसे शुरू होता है जैसे कि बस रोज़मर्रा के दिन स्टार्ट होते थे, मतलब कि कुछ नॉर्मल डे की तरह। एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, बस एक चीज़ अलग होती है। अब क्या वो चीज़ है जो अलग होती है उस दिन। अशरफ वॉज़न हरी। आज अशरफ जो है वो बहुत जल्दी में, रोज़ तो अशरफ इतनी जल्दी में नहीं उठा है लेकिन आज अशरफ को पता नहीं किस बात की इतनी जल्दी है। ही रश टू ईट ब्रेकफास्ट। और वो बस एकदम रश, क्या होता है, एकदम जल्दीबाजी में अपना ब्रेकफास्ट करता है। ही रश टू पिकअप हिज स्कूल बैग। वो बहुत जल्दी में है, अपना स्कूल बैग लेता है। एंड ही रश टू गेट ऑन मतलब अंदर जाना द बस फॉर स्कूल। और फटाफट से जल्दी से अपनी स्कूल के बस के अंदर बैठ जाता है जाके। एवरीथिंग एल्स वॉज हैपनिंग स्लोली। बाकी सारी चीज़ें, बाकी दुनिया सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी कुछ इतना फास्ट हो रहा है, बस आज अशरफ को बहुत जल्दी है। जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट किया उसने, जल्दी से स्कूल भाग लिया, बस की तरफ भागा, बस में बैठा और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, सब स्लोली चल रही हैं। ही नोटिस, उसने नोटिस किया दैट अदर द बस ड्राइवर्स वुड बियरली टच द पैडल। अब इसको लग रहा था उसको थोड़ा देर हो गई है। अदा जो बस की ड्राइवर है, ध्यान रखना अदा बस की ड्राइवर है, उनका पैर जो था वो पैडल के ऊपर टच होने ही वाला था। अदा वॉज डिटरमाइंड टू टेक हर टाइम दिस मॉर्निंग। अदा जो ये चाहती थी, ड्राइवर बस ड्राइवर ये चाहती थी कि हर आ रहा है ना यहाँ पर, आई थिंक अदा कोई लड़की है, ठीक है, तो वो ये चाहती थी कि बच्चों को वही वो जो है मॉर्निंग में प्रॉपरली मतलब एक सेफली तरीके से टाइम पर बच्चों को स्कूल पहुँचा दें। वन अशरथ फाइनली ग्लिम्स्ड द लो ब्राउन स्कूल बिल्डिंग, ही रश टू द फ्रंट ऑफ द बस। अब क्या होता है, जैसे ही अशरथ जो है हमारे करेक्टर है, हमारा हीरो है, ग्लिम्स मतलब झलक देखता है, जैसे ही उसको ये स्कूल की बिल्डिंग दिखाई देती है। बिल्डिंग कैसी है, लो थोड़ी मतलब नीची है, बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं है, ब्राउन कलर की बिल्डिंग है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अशरथ लो ब्राउन कलर की स्कूल बिल्डिंग को देखता है, ही रश्ड। और वो क्या करता है, ऐसे जो जैसे मान लो ये हमारी बस है, इस बस के आगे से, ठीक है, ये हमारी बस है तो बस के आगे से ऐसे भाग जाता है, स्कूल की तरफ भागता है, ठीक है। और ये वर्ड मीनिंग आप ज़रूर याद कीजिएगा। नॉट सो फास्ट, आधा बूम्ड। आधा जो है जो बस ड्राइवर है वो ज़ोर से बोलती है, बूम्ड। देखो यहाँ ओनोमोटोपोइया लिखा है, ओनोमोटोपोइया का मतलब ये होता है जो साउंड्स होती हैं ना, जो साउंड्स होती हैं उनको हम किस जो हमारी पोएटिक डिवाइसेज होती हैं उसमें, ये कौन सी डिवाइसेज होती हैं, ओनोमोटोपोइया, साउंड्स वाली पोएटिक डिवाइस होती है ओनोमोटोपोइया, ठीक है। इसीलिए आधा बूम ज़ोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं वेट फॉर द बस टू स्टॉप कम्प्लीटली फर्स्ट, है ना। तो बच्चे को इंस्ट्रक्ट किया जाता है अशरफ को कि भाई रुको तो सही, वेट तो करो कि बस जो है वो कम्प्लीटली रुक जाए। सॉरी अदा, आई नीड टू गो टू क्लास राइट अवे। अब बच्चा जो होता है वो तो बहुत ही जल्दी में है, तो वो बोल देते हैं ड्राइवर को कि सॉरी अदा, भाई मुझे माफ़ करिए अदा, आई नीड टू गेट टू क्लास राइट अवे, भाई मुझे तो तुरंत से क्लास में पहुँचना है। ही कॉल्ड एज ही जम्प्ड आउट ऑफ द बस एंड रन टू हिज क्लास रूम। बस ऐसे ही बोलता है और क्या करता है बच्चा, जंप करता है बस से और फटाफट भाग के क्लासरूम में पहुंच जाता है। आपको लगता है बच्चे को ऐसे भागना चाहिए, आई होप आपको भी लगता होगा कि ये बच्चा जो है वो गलत कर रहा है, इतनी तेज़ हमें बस के ऐसे कूदना फाँदना नहीं चाहिए बिकॉज इससे हमें चोट लग सकती है। फर्स्ट लेसन वॉज साइंस। अब जब आप क्लास में बच्चा पहुँचता है, जो फर्स्ट पीरियड होता है वो साइंस का पीरियड होता है, बट अशरफ वॉजंट लिसनिंग। अशरफ कुछ नहीं सुन रहा होता, साइंस टीचर क्या पढ़ा रही है उसको कुछ नहीं पता। हिज आइज वॉज ऑन द क्लॉक, उसकी जो आँखें हैं वो
घड़ी में लगी रहती हैं कि बस वो घड़ी दिख रहा है एक तरीके से. ही वॉज वेटिंग फॉर द 11 AM फर्स्ट ब्रेक. बच्चा वेट कर रहा है कि बस 11 बजे और वो जो टन 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 की घंटी बजती है ना ब्रेक की, पहला जो ब्रेक मिलता है, बस उसका वेट कर रहा था. एज सून एज ही हर्ड द बेल, जैसे ही वो बेल की आवाज़ सुनता है, ही हैड इट आउट. वो क्या करता है, हैड इट आउट मतलब एकदम से बाहर निकलता है टू द यार्ड. यार्ड मतलब चौक पे, आंगन में, जो स्कूल में आंगन सा होता है, खुला एरिया, ग्राउंड जैसे आप कह सकते हैं, वहाँ पर पहुँचता है. हे Again, do you want to come around after school to fly on my plane? तो Again, जो भी इसकी जो क्लासमेट है, ये नाम इसीलिए ऐसे हैं क्योंकि बच्चा नाइजीरिया का था, तो इस तरीके से नाम भी थोड़े से अलग रहेंगे. तो बोलता है कि क्या तुम ना स्कूल के बाद आओगे मेरे प्लेन में फ्लाई करने के लिए. Again, do you want to come? क्या तुम आना चाहोगी अराउंड आफ्टर स्कूल, स्कूल के लगभग बाद में, टू फ्लाई ऑन माई प्लेन, मेरे प्लेन में बैठने के लिए. इस बच्चे ने क्या किया है, एक नकली प्लेन बनाया है और इस बच्चे को लगता है कि वो प्लेन उड़ेगा, है ना, और वो प्लेन मेरे दोस्तों को कहीं भी पहुंचा देगा. एट जस्ट ऐसे बच्चे ने इमेजिन कर लिया है. ठीक है, व्हाट प्लेन, सेगुन कम ओवर हियर. अब ये एगुन, सेगुन और अशरफ तीनों दोस्त हैं आपस में. ठीक है, तो सेगुन क्या बोलती है, कम ओवर हियर, यहाँ प्लेन, क्या प्लेन. एगुन कॉल्ड लाउडली, एगुन जोर से चिल्लाती है, अशरफ एज अ प्लेन. अब एगुन बताती है सेगुन को कि भाई अशरफ के पास जो है एक प्लेन है. एगुन और सेगुन, आई डोंट नो करेक्टर, लड़के हैं या लड़कियां, अभी हम आगे देखते हैं इस स्टोरी में. वुड यू लाइक टू गो टू जुपिटर और सैटर्न. अब क्या होता है, अशरफ जो होता है ना, ये उसने प्लेन जो बनाया है तो उसको लग रहा है कि ये प्लेन जो है वो जुपिटर जा सकता है, सैटर्न जा सकता है. तो वापस यहाँ से देखते हैं कि जब अशरफ पूछता है एगुन, डू यू वॉन्ट टू कम अराउंड आफ्टर स्कूल टू फ्लाई ऑन माई प्लेन, एगुन तुम क्या आना चाहोगे कि मेरे प्लेन में बैठने के लिए आफ्टर स्कूल आवर्स. तो हाँ, ये सारे लड़के ही हैं. ठीक है, ये सारे लड़के हैं. तो व्हाट प्लेन, सगुन कम ओवर हियर. अब सगुन वहाँ पर आता है और बोलता है प्लेन, क्या प्लेन. तो एगुन कॉल्ड लाउडली, एगुन जोर से चिल्लाता है अशरफ एज अ प्लेन, अशरफ के पास प्लेन है, प्लेन. ऐसे छोटे बच्चे आपस में ऐसी बातें करते हैं ना. सो वुड यू लाइक टू गो टू जुपिटर और सैटर्न, क्या तुम जाना चाहोगे जुपिटर पे या सैटर्न पे. तो कौन किससे कह रहा है, ये एगुन बोल रहा है सगुन से. ठीक है, लुक आई प्रॉमिस यू दैट आई हैव अ प्लेन. अब ये बात कौन बोल रहा है, अशरफ बोल रहा है कि भाई देखो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मुझ पे है प्लेन, आई कैन सीट 4 people कंफर्टेबली, और मैं 4 लोगों को ना उस प्लेन में ना कंफर्टेबली बिठा सकता हूँ बिल्कुल. कम एंड सी, अशरफ प्रसिस्टेड. अशरफ जो है प्रसिस्ट करता है, बार बार अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता है कि भाई आओ ना, देखो ना मेरा प्लेन. अब बच्चों को कोई नई चीज़ बनाई है तो दिखाने का बड़ा मन करता है अपने दोस्तों को, उनको लगता है दोस्त की कितनी तारीफ करेंगे हमारी, है ना. तो इज़ इट लाइक द टाइम यू मीट अ टाइम कैप्सूल. ओ हो, लगता है ये इसी तरीके की है जैसे वो तुमने टाइम कैप्सूल बनाया था ना अशरफ, दैट कुड सेंड अस इन टू द फ्यूचर, सगुन रिमाइंडेड हिम. अब सगुन जिनका दोस्त होता है अशरफ का, उसको याद दिलाता है कि हाँ हाँ, तुमने पहले भी तो कहा था ना तुमने कोई टाइम कैप्सूल बनाया. वट इस टाइम कैप्सूल, टाइम कैप्सूल इज समथिंग लाइक अ टाइम मशीन, है ना. आजकल बच्चे बहुत इंटरनेट पर सुनते हैं, टाइम मशीन होती है, उसमें आप बैठोगे, उसमें आप फ्यूचर में जा सकते हो, आप उसमें पास्ट में जा सकते हो. तो कभी पहले अशरफ ने भी ऐसा ही कुछ बोला होगा अपने दोस्तों को कि मैंने टाइम मशीन बनाई है. तो कहता है कि अच्छा अच्छा, और वो टाइम मशीन तो एक्चुअली बनी ही नहीं होगी उस समय उससे, है ना. तो टाइम कैप्सूल तो वो याद दिला रहे हैं. तो सगुन जो है वो याद दिलाता है अशरफ को, सगुन ध्यान रखना किसने याद दिलाया कि, है ना, ये तो बस ऐसे ही तो नहीं है तुम्हारा प्लेन जैसे कि तुमने वो टाइम कैप्सूल बनाया था जो हमें फ्यूचर में ले जा सकता था. I got into so much trouble thinking that I would wake up and find myself 2 grades up. I stopped studying for my exams and got all these, this again. अब I got into so much trouble. मैं तो बहुत ही परेशानी में फंस गया था ये सोच के भी that I would wake up, कि मैं उठूँगा and find myself 2 grades up. बच्चे ने क्या किया था, पढ़ाई बंद कर दी थी. जैसे उसके दोस्त ने कहा ना कि भाई मैं तुम्हें फ्यूचर में ले जाऊंगा, तो उस बच्चे को जो उनका दोस्त था उसको लगा, अशरफ के दोस्त को, कि भाई हम तो फ्यूचर में पहुंच जाएंगे तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही हम 2 क्लास ऊपर हो जाएंगे जब हम सो के उठेंगे. तो आई स्टॉप द स्टडिंग, बच्चे ने बोला कि ये कौन बोल रहा है, एगुन बोल रहा है. ठीक है, एगुन बोल रहा है कि मैंने तो पढ़ना ही बंद कर दिया था एग्जाम्स के लिए, और उसके बाद क्या हुआ, आई गॉट ऑल दिस. ऑल दिस का मतलब यहाँ बहुत ही बैड ग्रेड्स से है, और मेरे तो मार्क्स बहुत ही खराब आए थे इस वजह से. मतलब मैं तुम्हारे चक्कर में ना अशरफ पहले भी फंस चुका हूँ, है ना. तुमने तो कहा था कि तुमने टाइम कैप्सूल बनाया है जिसको खा के हमें लग रहा था लाइक टाइम कैप्सूल को खा के और वट एवर इट इज़ लाइक अ टाइम मशीन, उसमें बैठ के हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे. और मुझे ऐसा लगा कि भाई हम तो 2 ग्रेड ऊपर पहुंच चुके होंगे जब हम सो के उठेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने पढ़ना वढ़ना भी बंद कर दिया और फाइनली मेरे मार्क्स बहुत खराब आए थे तुम्हारी वजह से, एगुन ये सब बोलता है. और इज़ दिस लाइक द टाइम यू डिसमेंटल्ड योर डैड्स रेडियो, और या फिर ये क्या है, और इज़ दिस लाइक द टाइम यू डिसमेंटल्ड योर डैड्स रेडियो टेलिंग अस दैट द रेडियो फ्रीक्वेंसीज कैन टर्न इनटू वेव्स दैट वुड मेक अस इनविजिबल.
या फिर ये कुछ इस तरीके का है जैसे कि तुमने उस समय किया था ना, हमने डैडी का रेडियो ही तोड़ दिया था है ना, और रेडियो तोड़ के तुमने ये कहा था कि इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो जो हैं वो टर्न हो जाएंगी वेव्स में और हम सब क्या हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे, हम सब गायब हो जाएंगे। ये जो अशरफ बच्चा है ना, ये बड़ा शैतान सा बच्चा था समझ में आ रहा है मुझे, और एक ऐसा बच्चा समझ में आ रहा है जो मतलब अति खुराफाती बच्चा है, जिसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ अलग करते हैं, कुछ ऐसा मतलब जो दुनिया देखे वो वाला है ना। तो अशरफ ने क्या किया था, अपने दादाजी का रेडियो भी तोड़ दिया था, कभी रेडियो तोड़ के उसको लगा कि रेडियो में जो फ्रीक्वेंसीज होती है जिसकी वजह से हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं वो टर्न हो जाएंगी, कि इसमें टर्न इनटू वेव्स में ऐसी, जिससे कि लोग जो हैं वो इनविजिबल हो जाएंगे। आई गॉट इनटू ट्रबल फॉर मेकिंग फेसेस थिंकिंग नोबडी कुड सी मी, लाफ्ड सगुन। सगुन हंसती है और बोलती है, अरे हंसता है और बोलता है कि भैया मैं तो क्या कर रहा था उस समय, मुझे तो लग रहा था लोग मुझे देख नहीं पाएंगे तुम्हारी वजह से, और मैं तो अजीब अजीब फेसेस बना रहा था और मैं सोच रहा था कि भी कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, देखा मैं तब भी तुम्हारे चक्कर में फंस गया था ऐसा। ओ अशरफ यू जस्ट नेवर गिव अप, सच अगुन। लेकिन अगुन बोलता है कि भाई अशरफ तुम हार नहीं मानते, मतलब तुमने पहले एक ब्लंडर मारा, कौन सा ब्लंडर किया था उसने, वो जो टाइम मशीन बनाई थी, दूसरा ब्लंडर किया तुमने, अपने पिताजी का रेडियो तोड़ दिया था, तीसरा अब भी तुम हार नहीं मान रहे हो, मतलब तुम लगे हुए हो कुछ ना कुछ करने के लिए। वेल यू मस्ट कम भाई, यू मस्ट कम, तुम आना ही चाहिए। दिस टाइम आई हैव फाउंड द फॉर्मूला आपकी पास, मुझे ना फॉर्मूला मिल गया, अशरफ इंसिस्ट करता है अपने दोस्तों को, बोलता है यार नहीं नहीं आओ इस बार तो पक्का ना, मैंने मेरे को तो फार्मूला मिल ही गया है, अब की बार तो मैंने प्लेन बना ही लिया है ना, ये देखो छोटे छोटे लड़के हैं ये हैं यागुन सगुन और अशरफ, ठीक है। वेल यू मस्ट कम दिस टाइम आई हैव फाउंड द फार्मूला, अशरफ इंसिस्टेड। इंसिस्टेड मीन्स किसी को फोर्स करना कि हाँ भाई आप आइए, हमारी बात समझिए। मोर लाइक द फार्मूला फॉर गेटिंग इन टू ट्रबल, हाँ हाँ ऐसा ही फार्मूला जो परेशानी में डालने वाला है, सगुन बोलता है ऐसा। बट आई विल कम जस्ट फॉर योर मॉम्स डिलीशियस चॉकलेट केक, चलो ठीक है, तो हमें पता है कि हम ना किसी किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं बेटा तुम्हारी वजह से, सगुन बोलता है। लेकिन बोलता है चलो यार तुम्हारी मम्मी ने ना केक बहुत डिलीशियस बनाती है, तो मैं ना उसकी वजह से तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है, मतलब बच्चे को लग रहा है ना घर पहुँचेंगे तो मम्मी केक खिलाएंगी इसकी दोस्त की, तो चलो फार्मूला तो देखा जाएगा, हमें पता है कि हम परेशानी में फंसते हैं हर बार इसकी वजह से, बट चलो यार हम दोस्त हैं केक वेक खा के आ जाएंगे मम्मी के हाथों का, तो इस तरीके से एक माइंड मेकअप करके बोल देता है कि चलो ठीक है। सगुन बोलता है कि हाँ ठीक है हम आएंगे, ठीक है मैं तो आऊँगा, मतलब एक तरीके से। डिड यू मेंशन चॉकलेट, आई एम इन, अगुन शाउटेड। अब अगुन को लगता है ओए होए चॉकलेट खाने के लिए जाना है, तुमने चॉकलेट बोला ना, हाँ हाँ मैं भी इन हूँ, मतलब मैं भी आऊँगा है ना, ऐसा थोड़ी ना तुम अकेले चॉकलेट खा लोगे दोस्त के घर जाके मम्मी की उसके हाथ की, मैं भी आऊँगा। अब दोस्तों को राजी कर दिया गया है आने के लिए घर पे। द फ्रेंड्स वॉक टूवर्ड्स द प्ले ग्राउंड टू जॉइन द रेस्ट ऑफ द क्लासेस हडल्ड इन द कॉन्वर्सेशन। अब जो दोस्त होते हैं वॉक करते हैं और टूवर्ड्स किस तरफ, द प्ले ग्राउंड की तरफ, टू जॉइन द रेस्ट ऑफ द क्लास, जो बाकी की बची हुई क्लासेस होती हैं जहाँ वो प्ले ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं, इन द कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन में जहाँ वो प्ले ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं उधर से वो क्या करते हैं, वो अपने अपने बाकी बची हुई क्लासेस के लिए वो जाने लगते हैं। द फ्रेंड्स वॉक टूवर्ड्स द प्ले ग्राउंड की तरफ जाते हैं टू जॉइन द रेस्ट ऑफ द क्लास हडल्ड इन द कॉन्वर्सेशन। अब आ जाइए आगे, हियर कम द थ्री मस्किटर्स। अब ये मस्किटर्स क्या है, थ्री मस्किटर्स आई थिंक कोई स्टोरी है जो तीन दोस्तों के बारे में है, ठीक है, आई थिंक कोई नॉवल वगैरह है जिसमें तीन बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी है, तो यहाँ पर भी ये तीनों जो हैं वो तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हाँ जी एक नॉवल था ये, उसे उसमें तीन दोस्तों का जिक्र है और इसी तरीके से ये तीन दोस्त भी देखे जा रहे हैं। अभी इनको कौन ऐसे थ्री मस्किटर्स के नाम से बुला रहा है, सिमन, तो सिमन भी इनके स्कूल का कोई बच्चा है, और इन तीन दोस्तों को अशरफ को और एगुन को और जो तीसरा बच्चा था हमारा जिनका दोस्त था, तीनों को देख के सिमन बोलता है कि ये देखो आ रहे हैं, देखो थ्री मस्किटर्स आ रहे हैं, यानी कि तीनों बेस्ट फ्रेंड की श्रेणी में आते होंगे स्कूल में। आई वंडर व्हाट न्यू एडवेंचर दे आर कुकिंग, अरे भाई मैं चौंक रहा हूँ, पता नहीं अब ये क्या नया एडवेंचर कर रहे होंगे। एक्चुअली ये बच्चा एडवेंचर करता रहता है ना, और ये दोस्त जो हैं इसके साथ देते रहते हैं, तो अब सिमन को लग रहा है कि हाँ देखो पता नहीं यार अकेले बातें कर रहे हैं ये लोग जो खड़े हुए हैं, क्या कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, पता नहीं क्या नया एडवेंचर जो है किया जा रहा है। जस्ट इग्नोर हिम, अशरफ बोलता है, एंड डोंट टेल हिम अबाउट दिस इवनिंग, आज की बातें जैसे बच्चे ऐसे करते हैं ना, बताना नहीं तो किसी को भी है ना, जस्ट इग्नोर, इसको इग्नोर करो, उसको देखो भी मत, अशरफ बोलता है, और आज जो भी हम लोगों ने बात की है तो इसको सीक्रेट रखते हैं ना, किसी को नहीं बताएंगे। सिमन आर यू कमिंग टू शी अशरफ न्यू फ्राइंग सॉसर,
तो बोलता है कि भाई सिमन क्या तुम आ रहे हो, अशरफ ने जो नया फ्लाइंग सॉसर एक तरीके का कटोरा बनाया है यहाँ पर, आई थिंक वो उसके प्लेन की बात कर रहे होंगे। सॉसर का मतलब वैसे तो बेसिकली कटोरा होता है, बट यहाँ उस कटोरे का तो कोई सेंस नहीं आ रहा है। वी कैन ऑल बुक वेयर वी वॉन्ट टू गो, हम वो जगहें बुक कर सकते हैं भाई जहाँ भी हम जाना चाहते हैं। आई थिंक आई लाइक द एयर इन लगून एंड द सैंड इन कैन केनो इज़ रियली प्रिटी टाइम दिस टाइम ऑफ द ईयर। सेगुन कॉल्ड आउट, सेगुन चिल्लाता है कि हाँ भाई हम कहाँ जा सकते हैं, हम लगूनस में जा सकते हैं, फिर सैंड में कैनो में जा सकते हैं, इस समय वहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है ना, इसलिए कि कहानी है तो जगहें होंगी वहाँ की उधर। ठीक है, वाई डिड यू हैव टू गो एंड डू दैट, तुम क्यों जाना चाहते हो और तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। अशरफ स्टॉर्म्ड ऑफ क्लियरली अपसेट, अशरफ को ना बड़ा गुस्सा सा आता है, चिल्लाता है कि क्यों जाना है, क्यों ऐसा बोल रहे हो। मतलब उसको था शायद दिमाग में कि किसी को बताया ना जाए अभी इस बारे में। आई एम सॉरी बट सो मैनी ऑफ इन्वेंशन एंड एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन वर्कड आउट, सेगुन सेड एज ही रन आफ्टर अशरफ। हो क्या रहा होगा, आई थिंक सिमन जो होता है ऊपर वो इसको जो है ये ऐसे कहते हैं ना वो लुक लैक पुल करते हैं, बच्चे एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, सो ये सब इस सब बच्चे की खिंचाई चल रही है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, बट सो मेनी ऑफ योर इन्वेंशन, जितने भी तुमने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हैवंट वर्कआउट, हो कुछ वर्कआउट तो हुआ नहीं है उनका, मतलब कुछ हो तो पाया नहीं है। सगुन बोलता है ये सब एज ही रैन आफ्टर अशरफ, और वो अशरफ के पीछे भागता है। आई थॉट वी वर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता था कि भाई हम दोस्त हैं, यू आर सपोज टू सपोर्ट मी। अब अशरफ अपने दोस्तों को बोल रहा है कि मुझे तो लग रहा था तुम मेरे दोस्त हो, मुझे सपोर्ट करो। दोस्त जो है बेचारे खिंचाई कर रहे हैं अशरफ की, है ना, कि तुमने इतने इन्वेंशन तो पहले भी किया, कुछ होता तो है नहीं। अशरफ मटर्ड धीरे धीरे बोलता है स्टिल एंग्री, अशरफ थोड़ा गुस्सा सा होता है, उसको लग रहा था कि उसके दोस्त जो है उसकी बात मानेंगे, उसके दोस्त जो है उसके एरोप्लेन में बैठना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, लेकिन दोस्त जो है वो थोड़ा सा मजाक सा उड़ा रहे थे। लुक आई विल बी देयर ऑल राइट, लुक देखो आई विल बी देयर ऑल राइट, चलो भाई मैं आ जाऊँगा, सगुन रिप्लाई करती हैं एज दे मेड दे वे बैक टू द क्लासरूम। और फाइनली वो लोग अपने क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। अशरफ वॉज सीक्रेटली डिलाइटेड, अशरफ को ना अब बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है, तो यार चलो फाइनली वट एवर, मेरी खिंचाई विचाई हुई तो हुई, लेकिन दोस्त तो आ रहे हैं ना देखने के लिए, ना मुझे एक अनदर चांस दे रहे हैं। अशरफ वॉज सीक्रेटली डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स खुश होना, एंड दैट इज फ्रेंड्स हैड डिसाइडेड टू गिव हिम अनदर चांस, उसके दोस्तों ने डिसाइड कर लिया कि उसको एक और चांस देंगे, सोच के अशरफ बड़ा खुश रहा है। द रेस्ट ऑफ द डे फ्लू बाय, अब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सून जल्दी ही इट वॉज टाइम टू गेट ऑन द बस फॉर होम, और बहुत जल्दी वो समय आता है, आया था जब हम बस में वापस लौटे। सून इट वॉज टाइम, एक समय आया ऐसा जब हम बस में बैठे और वापस घर चले गए। एज सून एज द बस स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, जैसे ही अशरफ के घर के बाहर बस रुकी, अशरफ रेस्ड इन साइड, ऐसे जैसे रेस करते हैं एकदम जोर से, एकदम भागता है अपने घर के अंदर। ही नीडेड टू गेट कम्फर्टेबल सीट्स ऑन हिज प्लेन फॉर हिज टू बेस्ट फ्रेंड्स, अब उसको क्या चाहिए था, उसको कम्फर्टेबल सीट्स बनानी थी प्लेन में बैठने के लिए। जैसे आप कभी एरोप्लेन में बैठे हो या आपने देखा हो तो आपने पाया होगा कि बड़ी कंफर्टेबल सी सीट्स होती हैं, तो उसको लगा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स जो बैठे तो सीट्स बड़ी कंफर्टेबल सी हों। ही वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम में जाता है एंड ग्रैब्ड हिज मॉम्स फेवरेट पर्पल कुशंस, और क्या उठा के ले आता है, क्या ग्रैब कर लेता है, ले लेता है हाथ में एकदम उसकी मम्मी के जो फेवरेट वाले पर्पल कुशन होते हैं ना वो ले लेता है। ही नीडेड सम स्ट्रिंग्स, अब उसको धागे भी चाहिए होते हैं टू मेक श्योर दैट दे वर फैस्टन्ड सिक्योरली फॉर अ टेक ऑफ, जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है तो बेल्ट लगवाई जाती है ना, ऐसे ही मजबूती से उसको बांधने के लिए उसको भी कुछ स्ट्रिंग धागे चाहिए थे। एंड न्यू जस्ट वेयर टू गेट इट, अब उसको पता था कि उसको ये धागे कहाँ मिलेंगे। डैड ऑलवेज हैड अ स्ट्रिंग इन हिज टूल बॉक्स, उसके पिताजी के पास एक टूल बॉक्स था, देखो दिखा रहे हैं ना, अशरफ टूल बॉक्स खोल रहे हैं, वहाँ पर रस्सी या धागा हम बोल सकते हैं वो रखा हुआ होता है, तो डैड के पाउच में से ले लेता है टूल बॉक्स में से। द ओनली थिंग लेफ्ट वॉज टू गेट सम रिफ्रेशमेंट, अब क्या बचा है, एरोप्लेन में जब आप जाते हैं तो अच्छे अच्छे सैंडविचेस मिलते हैं आपको, बहुत अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलते हैं, रिफ्रेशमेंट्स मिलते हैं, तो बोलता है कि यार कंफर्टेबल सीट्स भी हो गई, सीट बेल्ट भी हो गई, ये सब तो हो गया, अब रिफ्रेशमेंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा, बस वही चीज़ बची हुई है, मॉम्स चॉकलेट केक, विच इज नाइस। इसलिए उसको लगता है यार मम्मी के वो जो चॉकलेट केक है ना वो बड़े सही रहेंगे रिफ्रेशमेंट्स के लिए। But he needed to find two tables to rest them on. अब उसको दो tables भी चाहिए थे उन्हें रखने के लिए, वो जो चॉकलेट केक को लाएगा भाई कहीं तो रखेगा ना, तो टेबल, अब टेबल कहाँ से है। He remembered, उसे याद आता है that he had a pair of round heads, कि उसकी ना गोल गोल heads हैं उसके पास, पेयर है उसका, तो पूरा परफेक्ट प्लेस रहेगा टू पुट अ स्नैक, अरे वो तो बड़ा परफेक्ट रहेगा उसको लगता है स्नैक रखने के लिए। नाउ ऑल ही हैड टू डू, जो भी उसको करना था, वॉज टू गेट हिज हेलमेट रेडी, अब उसको अपना हेलमेट रेडी करना था एंड क्लाइम इन टू हिज कॉकपिट, कॉकपिट मतलब
हवाई जहाज का जो आगे वाला पार्ट होता है ना भाई, जो चलाता है वो तो आगे की तरफ बैठता है, वहाँ बैठने के लिए उसको क्या करना था, बस हेलमेट पहनना था, अपना हेलमेट रेडी करना था. व्हाइल ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स टू अराइव, जब उस समय जिस समय वो अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था. यहाँ से पीछे से लेते हैं नाउ, ऑल ही हैड टू डू, बस उसको सब कुछ क्या करना था, वाज टू गेट हिज हेलमेट, उसको अपना हेलमेट रेडी करना था एंड क्लाइम करना था इन टू द कॉकपिट हवाई जहाज के आगे वाले हिस्से में. उस समय जब वो वेट कर रहा था उसके फ्रेंड्स के आने का, तो उस समय उसको ये सब करना था बस. ग्रैबिंग मतलब एकदम से ले लेता है वो हिज येलो बाइसिकल हेलमेट को, ठीक है, जो साइकिल पे बैठता होगा तो चलाता होगा हेलमेट पहन के साइकिल को, येलो कलर का हेलमेट होता है वो, उसको ग्रैब कर लेता है, उसको ले लेता है. अशरफ मेड हिज वे टू द बैकयार्ड, अशरफ मेड हिज वे, रास्ता बनाता है बैकयार्ड की तरफ. बैकयार्ड क्या होता है, घर के पीछे जो ऐसे बगीचा टाइप होता है वो. ही टुक अ मिनट टू सर्वे हिज क्रिएशन, वो कुछ एक दो मिनट लेता है, सर्वे करता है कि जो उसने क्रिएशन की है, जो उसने बनाया है, उसको थोड़ा सा देखता है कि भाई सही है या नहीं है. इन इट्स इंटायर स्प्लेंडर, और पूरा जो भी उसने स्प्लेंडर देख लेते हैं, शानदार होता है वैसे तो उसका मतलब, हाँ ग्रैंड ब्यूटी, उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है. वो कहता है अरे वाह, मतलब कितना बढ़िया बनाया है मैंने तो, बच्चे को तो बड़ा मज़ा आ रहा था उसे देख के. इट वॉज मैग्निफिशेंट, ये तो बड़ा शानदार है, तो बड़ा खूबसूरत है. ऐसा होता है ना जब आप कोई चीज़ बनाते हो फिर आप खुद भी उसकी तारीफ करते हो, तो यार कितना बढ़िया हुआ है, तो मैंने क्या बढ़िया चीज़ बनाई है, ऐसा वो बच्चा भी कर रहा होता है, ठीक है. इट वॉज मैग्निफिशेंट, स्ट्रॉन्ग ब्राउन बॉडी है इसकी एंड लार्ज वाइड विंग्स हैं इसके एंड इसके सॉलिड व्हील्स हैं. अरे वाह भाई, मैंने तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया, बच्चे को लग रहा है. ही लुक्ड अराउंड इम्पेशेंटली, अब बड़ा मतलब उसको सब्र नहीं हो रहा था, इम्पेशेंट होता है वो बच्चा, बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था. वंडरिंग व्हील्स वेयर इज फ्रेंड्स वर, उसको लग रहा था बस कहाँ है मेरे दोस्त, आए और देखें मेरी शानदार चीज़ जो मैंने बनाई है. अशरफ वेयर आर यू, तुम कहाँ हो अशरफ, दिस बेटर बी गुड, ये बेटर बी गुड, आई एम मिसिंग वॉचिंग सोसा विद डैड फॉर दिस. सगुन अनाउंस करती है देर अराइवल, जब सगुन आती है तो क्या बोलती है, अशरफ वेयर आर यू, अशरफ तुम कहाँ हो, दिस बेटर बी गुड, आई एम मिसिंग वॉचिंग, मैं मिस कर रहा हूँ फुटबॉल का खेल डैड के साथ, ठीक है, उसको देखने जाना होगा कहीं फुटबॉल का खेल, ठीक है. तो ये सब चल रहा होता है, दिस इज़ गोइंग टू मेक योर डे, देखना आज तुम्हारा दिन बन जाएगा, कम ऑन ओवर, आई एम एट द बैक, अशरफ रिप्लाई करता है कि भाई मैं पीछे की तरफ हूँ, आ जाओ यहाँ आ जाओ, मज़ा आ जाएगा तुम्हें तो आज, है ना. ही हरीडली क्लाइम इन टू द कॉकपिट, वो जल्दी से कॉकपिट मतलब अपने बनाए हुए हवाई जहाज के अगले हिस्से में बैठ जाता है. पुलिंग हिज हेलमेट, अपने हेलमेट को खींचता है. ही वॉन्टेड टू मेक श्योर, वो श्योर होना चाहता था दैट ही वॉज रेडी, कि वो बिल्कुल रेडी है. व्हेन दे गॉट अराउंड द बैक, जब वो पीछे की तरफ जाएं, जब वो लोग पीछे की तरफ बचे, उसके दोस्त पहुंचे ना, वो बोलते ना पीछे के बगीचे से कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ आ जाओ, तो इन बिटवीन वो मतलब अपना हेलमेट वगैरह पहनता है, फटाफट से आगे कॉकपिट पे बैठ जाता है. उसको लग रहा होता है कि भाई दोस्त आए तो तब तक मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपना हवाई जहाज उड़ाने के लिए. ही चेक द विंग्स, वो विंग्स को चेक करता है एंड व्हील्स को, टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वाज परफेक्ट फॉर टेक ऑफ, टेक ऑफ के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट हो. हरी ही कॉल्ड आउट लाउडली, जल्दी आओ जल्दी, बच्चा चिल्लाता है, अशरफ चिल्लाता है. जस्ट देन अशरफ हर्ड अ रंबलिंग कमिंग टूवर्ड्स हिम, तभी उसको एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है. व्हाट्स गोइंग ऑन सगुन, एगुन ही आस्क्स इन पैनिक, व्हाट्स गोइंग ऑन सगुन, सगुन क्या हो रहा है, एगुन पूछता है. और एगुन बहुत ही पैनिक होकर पूछता है एकदम से. अ होर्ड ऑफ चिल्ड्रन वर ट्रूपिंग इन टू हिज बैकयार्ड, झुंड आ जाता है बच्चों का बहुत सारी उसके बैकयार्ड में, मार्चिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ आ रहे होते हैं बच्चे. दे वर चिल्ड्रन एवरीवेयर सराउंडिंग अशरफ, स्टेयरिंग अप एट हिम, हर तरफ बच्चे होते हैं और अशरफ जो होता है उनको देख रहा होता है. दे वर ऑल टॉकिंग एट वंस, वो तुरंत आपस में बातें कर रहे होते हैं. एगुन एंड सगुन पुश्ड थ्रू द क्राउड टू गेट अ बेटर लुक, क्राउड को धर करते हैं कि भाई हम भी देखें क्या हो क्या रहा है ये. एट देयर फ्रेंड ही वॉज पर्च्ड हाई, वो बहुत ही ऊपर बैठा होता है. कहाँ पर बैठा होता है ये अशरफ, मैंगो ट्री पर, ठीक है. क्लैस्पिंग ऑन टू अ ब्रांच, और कसके पकड़ा होता है उसने ब्रांच को. ऑन टू ब्रांचेस वर टू हैट्स, दो ब्रांचेस पर दो हैट लगे होते हैं. विद अ स्लाइस ऑफ चॉकलेट केक उसके हर एक ब्रांच पे रखा होता है. ये होता है उसका एरोप्लेन, है ना, वो मैंगो ट्री की ब्रांच पे बैठा हुआ होता है. वहीं पर उसने ब्रांचेस पे केक्स रखे होते हैं. सम फ्लाइंग सॉसर, द चिल्ड्रन म्यूटेड, इट इज़ जस्ट अ ट्री, ओ माई गॉड, ये तो बस एक पेड़ है. बच्चों को लगता है डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ओ माई गॉड हमने तो सोचा था कोई एरोप्लेन बना हुआ, तुम तो पेड़ पे बैठे हुए हैं मैंगो के, है ना. बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, दे टर्न एंड वॉक ऑफ, मुड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. अशरफ अ सैड एग्जाम्पली इन हिज इमेजिनरी कॉकपिट, अशरफ बेचारा बैठा रह जाता है उदास होकर अपने इमेजिनरी काल्पनिक कॉकपिट में हवाई जहाज के आगे के हिस्से में. यू शुडंट हैव टोल्ड एवरीवन, तुम्हें सबको नहीं बोलना चाहता. नाउ आई कांट गो बैक टू स्कूल, अब हुआ क्या,
इसके दोस्तों ने बाकी बच्चों को बोल दिया, बाकी बच्चे देखने आ गए, देखा तो था कुछ नहीं, अश्रव बेचारा मैंगोची पर बैठा हुआ था खाली, ठीक है, वहीं उसने कुछ अरेंजमेंट कर रखे थे। अब उसको तो लगता है कि यार अभी सारे बच्चों को बता दिया, सारे बच्चों ने देख लिया, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं है यहाँ पर, और अब मैं स्कूल कैसे जाऊँगा। तो ही सीटेड ड्रामेटिकली, वो बैठा हुआ था बेचारा, तो उसको लगा अब तो मजाक उड़ने वाली है मेरी। एगोन एंड सेगुन स्क्रैम्बल्ड अप द ट्री एंड सेट बिसाइड हिम। अब उसके दोस्त जो होते हैं एगोन और सेगुन, वो भी चढ़ जाते हैं पेड़ के ऊपर और उसके बाजू में जाकर बैठ जाते हैं। लुक अशरफ, देखो अशरफ, आई लाइक ऑल योर हेयर ब्रेंड आइडियाज़। भाई जितने भी तुम्हारे ये जो हेयर ब्रेंड आइडियाज़ होते हैं, ब्रेंड मीन्स टू से क्रेजी, अनलाइक टू सक्सेस, मतलब वो सफल वफल तो होते नहीं हैं, बट मुझे पसंद है तुम्हारा एक तरीके से इस तरीके का काम करना, ठीक है। And one day you might build all these things for real. और एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम ये सब चीज़ें वास्तविकता में कर पाओगे। बट देखो दोस्तों का विश्वास देखो अपने दोस्त के ऊपर, ठीक है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फाइनली हमें विश्वास है कि ज़िंदगी में एक बार आगे जाके तुम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर लोगे, रियलिटी में तुम कर पाओगे। सगुन एनकरेज करते हैं अशरफ को, ठीक है, फॉर नाउ वी विल हेल्प यू, अभी अकेले तो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, बट यू विल नीड मच मोर देन अ ट्री टू गेट टू स्पेस। पर भाई स्पेस में जाने के लिए अशरफ तुम्हें पेड़ से ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, मतलब पेड़ पे बैठ के तो स्पेस में नहीं पहुँच सकते ना हम। यू आर ग्रेट, तुम बहुत महान हो, अशरफ बोलता है। अशरफ सेड एंड हगिंग देम, अपने दोस्तों को क्या करता है, गले लगाता है। अशरफ को बड़ी खुशी हो रही होती है, अब उसको लग रहा होता है कि चलो भाई मेरा कितना भी फेलियर रहा लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों ने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया, तो इस तरीके से वो बड़ा खुश हो जाता है। ही कैन लुक अप इन्वेंशन इन माई साइंस बुक, वी कैन लुक अप, हम देख सकते हैं इन्वेंशंस को, आविष्कारों को अपने साइंस की बुक में, एंड मे बी वी कैन स्टार्ट स्मॉल, हम कोशिश कर सकते हैं कि छोटा मोटा तो एक्सपेरिमेंट हम भी करें, लाइक हाउ टू बॉयल एन एग यूज़ करके हीट फ्रॉम द सन, है ना, पर गैस पे तो सभी उबाल लेते हैं लेकिन सन की हीट से अंडा कैसे उबाला जाता है, ये हम कोशिश कर सकते हैं। एग उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई इस तरह के छोटे छोटे इन्वेंशन हम कर सकते हैं। हे स्टडी ऑन और वी विल फॉल ऑल, नहीं, वी विल ऑल फॉल ऑफ द ट्री, एगन वॉन्ट, एगन जो होता है वॉन्ट करता है, भाई सीधे बैठे रहो पेड़ पे, इतना मत हिलो वरना हम लोग पेड़ पे से ही गिर जाएंगे, लोग तो पेड़ पे बैठे हुए हैं, देखो दिख रहा है ना। एंड देन अशरफ, यू वुड हैव टू इन्वेंट एन इंस्टेंट पैराशूट टू सेव अस। अशरफ अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एकदम इंस्टेंट पैराशूट भी जो है ना वो उसको भी इन्वेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हम ऐसे गिरे तो मतलब हम सेफ रहें, ठीक है। सगुन लाफ करता है एज द थ्री फ्रेंड्स मेड देयर वे डाउन, और तीनों दोस्त जो हैं वो नीचे आ जाते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये थी हमारी प्यारी सी स्टोरी, आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे तो बनाने में बहुत मज़ा आया, मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, आई लव इट, बाय बाय।